हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? फाइन। तो बच्चों, अभी तक हम क्या कर रहे थे? सबसे पहले हमने अ से अह, क से स्र ये सीखा है ना। फिर गिनती सीखी। उसके बाद हमने स्वर और व्यंजन में से टू लेटर वर्ड्स बनाए है ना। टू लेटर वर्ड बनाए, फिर उसमें से थ्री लेटर वर्ड बनाए है ना। तो थ्री लेटर वर्ड और टू लेटर वर्ड हमें पढ़ने आ गए ना। तो अभी हम आज क्या करने वाले हैं? आज से हम फोर लेटर वर्ड सीखेंगे। कितने अक्षर सीखेंगे? चार अक्षर को एक साथ लिखेंगे और एक वर्ड बनाएंगे। ठीक है, पहले हमने दो अक्षरों को लिया था और एक वर्ड बनाया था, फिर तीन अक्षर को लिया और एक वर्ड बनाया है ना। तो आज नया टॉपिक, नया शुरू करेंगे। चार अक्षरों को यानी कि चार लेटरों को ज्वाइंट करके एक वर्ड बनाएंगे। ठीक है, यानी कि फोर लेटर वर्ड सीखेंगे। तो हमें क्या करना है? हमारी बुक में बीच में एक मिडल में एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और हर बार हम कितने नए वर्ड सीखेंगे? सिर्फ दो नए वर्ड सीखेंगे, फोर लेटर वाले। तो बीच से एक लाइन खींच लेंगे, एक वर्ड इधर लिखेंगे और दूसरा वर्ड इधर है ना। तो बीच में से पार्ट कर लेना है ताकि अच्छे से हमें लिखने के लिए स्पेस मिल जाए। ठीक है ना, तो शुरू करेंगे। ध्यान बोर्ड पे, आराम से देखना है, सुनना है, फिर अपनी बुक में कॉपी करना है। तो सबसे पहले ध्यान दोगे, क्योंकि अभी लेटर्स बढ़ गए हैं तो समझ में नहीं आएगा, तो आप लोग पढ़ भी नहीं पाओगे। तो ध्यान बोर्ड पे मैं सबसे पहले लिख रही हूँ ब। एक लेटर हुआ, दूसरा र, त, तो, नो। कितने लेटर्स बने? ब र त न, बर्तन। हुए ना फोर लेटर? एक काउंट कर लेते हैं फिर से। ब यानी कि एक लेटर, र दूसरा, त तीसरा और न फोर्थ, चौथा, यानी कि 1 2 3 4। हो गए ना चार अक्षर? तो क्या कहेंगे? फोर लेटर वर्ड्स यानी कि चार अक्षर वाले शब्द। तो फिर से पढ़ते हैं, ब र त न, बर्तन। समझ में आया कैसे पढ़ना है? ब र त न, बर्तन। तो अभी हम नीचे नीचे अच्छे से पढ़ते पढ़ते लिखते जाएंगे। ब र त न, बर्तन। ऐसे ही नीचे नीचे लिखते जाना है और बोलते जाना है, ब र त न। ऊपर एक ही स्लिपिंग लाइन बनानी है, ब र त न, बर्तन। फिर से एक बार, ब र त न, ब र त न, बर्तन। फिर से, ब र त न, बर्तन। फिर एक बार पढ़ लेते हैं, ब र त न, बर्तन। चारों अक्षरों को पास में लिखना है, एक दो इधर लिखे, दो इधर लिखे, ऐसे नहीं करना है। समझ आ रहा है? फिर से लिखते हैं, ब र त न, बर्तन। ब र त न, बर्तन। समझ में आया कैसे पढ़ना है? ब र त न, बर्तन। बर्तन मतलब हम जो प्लेट, कटोरी ये सब यूज करते हैं ना घर में, पानी का ग्लास, खाने के लिए प्लेट है ना, ये सब यूज करते हैं, उसको क्या कहते हैं? बर्तन है ना।
प्लेट, स्पून, ये सब क्या है? बर्तन। उसको हिंदी में क्या बोलेंगे? बर्तन। बर्तन। अभी आप लोगों को पूरी लाइन एक वर्ड ऐसे ही लिख लिख लिखते जाना है और बोलते जाना है, ताकि अच्छे से पढ़ना आ जाए और लिखना भी आ जाए। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड, दूसरा आज नया वर्ड सीखेंगे, स र क स। 1, 2, 3, 4, यानी कि चार अक्षर हो गए, मतलब चार अक्षर वाला शब्द हो गया। क्या लिखा? स र क स। सर्कस। सर्कस देखा है ना आप लोगों ने, जहां पे अलग अलग प्रकार के खेल दिखाए जाते हैं एनिमल्स के, है ना? तो वही सर्कस। फिर से लिखते जाएंगे, पढ़ते जाना है और नीचे नीचे लिखते जाना है, ताकि आसानी से पढ़ना आ जाए। शुरू करते हैं, स र क स। स र क स, सर्कस। फिर से नीचे नीचे लिखते जाना है, साथ में पढ़ते भी जाना है। स र क स, सर्कस। हो गया। ऐसे ही ध्यान से पढ़ते जाना है और लिखते जाना है। स र क स, सर्कस। कैसे पढ़ना है? स र क स, सर्कस। फिर से स र क स, सर्कस। स र क स, सर्कस। फिर से नीचे नीचे लिखते जाएंगे, साथ में बोलते भी जाएंगे। स र क स, ऊपर स्लीपिंग लाइन। स र क स, सर्कस। तो समझ में आया कैसे पढ़ना है? एक एक लेटर को पहले पढ़ेंगे, फिर चारों लेटर एक साथ, यानी कि स र क स, सर्कस। तो ऐसे ही दूसरा वर्ड भी, जहां तक लाइन बनी है पूरी लाइन में वही वर्ड लिखते जाएंगे। तो आज हमने क्या सीखा? 4 लेटर वर्ड सीखे, है ना? और 4 लेटर वर्ड में हमने आज 2 वर्ड सीखे, जिसको हम फिर से सीख लेते हैं कैसे पढ़ना है। फिर आप लोगों को ऐसे ही बोल बोल के अपनी बुक में लिख के कॉपी कर लेना है, अच्छे से पढ़ लेना है और प्रैक्टिस करनी है पढ़ने की, ठीक है? तो ध्यान इधर, कैसे पढ़ना है सीखते हैं। ब र त न, बर्तन। फिर से एक साथ बोलेंगे, ब र त न, बर्तन। और दूसरा स र क स, सर्कस। फिर से एक बार साथ में, स र क स, सर्कस। समझ आ गया आप लोगों को? ये दोनों वर्ड्स ऐसे ही बोल बोल के अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है और पढ़ना भी सीखना है।